तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और इसमें हम आज एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से। तो प्रोजेक्ट क्या है इसको समझिए। हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने 12 फाइल क्रिएट किया था, 12 डिफरेंट फोल्डर में। क्या सर याद है? हाँ जी। तो आज हम जो है 12 फाइल को क्रिएट करेंगे, बट एक फोल्डर में, बट 365 शीट्स क्रिएट करेंगे। क्या है कि हमें डेटा डेट वाइज नहीं, ईयर वाइज डाउनलोड करना होता है। तो साल के लास्ट में हमें क्या करना होता है, या अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए साल अगर साल का डेटा डाउनलोड करना है तो हमें क्या करना होता है कि 12 महीने की 12 फाइलें बनती है। जैसे मुझे क्या करना होगा, मैं अगर मैनुअल करूं तो कैसे करूंगा कि मैं एक लोकेशन पे जाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ डेटा में एक काम करता हूँ, मैं न्यू 2020 का डेटा बना दिया। इस डेटा में मुझे क्या करना होता है, एक फाइल क्रिएट करना होता है जनवरी का। यहां से मैं जनवरी का फाइल क्रिएट करता हूं, इसका नाम मैं जैन दे देता हूं। इस बार नाम वन नहीं, इस बार नाम क्या दिख रहा, जैन बन रहा है। अभी इस जैन के अंदर में मुझे 31 शीट क्रिएट करने हैं, समझे? 31 शीट क्रिएट करने, पब्लिशर का हो गया। समझ में आया कि सर आपको कि करना क्या है? हाँ जी। एक शीट पर डे, पर डे वन शीट, बट उसको मंथ के हिसाब से कैटराइज करना है, ठीक है? मतलब जनवरी में 31 शीट होंगे और सबका शीट का नाम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर से हो। ओके। सीट इंसर्ट ही नहीं करनी, उन सीट का नाम भी चेंज करना है, और ज्यादा सीट भी नहीं होनी चाहिए। 31 सीट तो 31 सीट ही होना चाहिए, उससे ज्यादा सीट नहीं होना चाहिए, समझिए सर। सर चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? जी ईशा जी, आपको आया? हेलो ईशा जी, म्यूट करके। ईशा गुप्ता जी, तो प्रॉब्लम को चलिए सर। यस सर। हाँ सर, आई एम देयर। समझ में आ गया आपको ना सर, प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, एक्चुअली मैं, मेरे ऑफिस की कॉल चल रही थी तो मैंने मिस आउट किया हुआ है। अभी भी कॉल चल ही रही है, 1 मिनट की और है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करो, मैं आपको बीच में ज्वाइन करूंगी 1 मिनट के अंदर। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हमने एक सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे हमने किया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल क्रिएट करना है और फाइल को सेव करना भी है। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज। यहाँ पे करना है, लोकेशन भी तो चाहिए हमें, तो चलिए लोकेशन देते हैं। सर अभी आप बता सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बारी क्या है? अरे जी आप समझा सकते हैं, मुझे नहीं पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी ईशा जी, हम क्रिएट कर रहे हैं 12 फोल्डर्स, एक महीने का हर फोल्डर्स, एंड हर फोल्डर में एक पर डे के हिसाब से 31 शीट। सो अगर जनवरी में 31 डेज है, सो वी हैव टू ऐड 31 शीट्स, और फेब में 28, और इफ इट्स अ लीप ईयर देन 29। तो हम बोलते हैं कि हम इसके लिए प्रोग्रामिंग लगा रहे हैं। हमने एक फोल्डर तैयार किया है अभी 2020, अभी हम वर्कबुक को ऐड करेंगे,
फिर उसको सेव एज करेंगे इस लोकेशन पे सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप एमएफ एंड ये न्यू फोल्डर के अंदर एक डेटा फोल्डर पड़ा है। सही आपने बताया गैरी जी, मतलब कि क्या है कि हमें एक फोल्डर के अंदर में 12 एक्सेल वर्कबुक चाहिए, मतलब एक्सेल फाइल चाहिए, तो 12 के फाइल का नाम मंथ के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर होगा, उसके अंदर जो शीट्स होंगे वो भी उस शीट्स जो आएंगे उसके डे के हिसाब से होंगे 30, 31, 28, 29 ठीक है, और उनके नेम भी 1 से लेके उस मंथ के नाम या से या ओके आता कम होगा ना सीट ज्यादा होगा। तो अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ एक फाइल जैन का फाइल ओपन किया और जैन के फाइल में हमने ओपन कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शीट्स को ऐड करेंगे, शीट्स डॉट ऐड। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें इसमें सीट कितने ऐड करने, 31, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज और होती है कि पहले से तो सीट इंसर्ट होता है ना, तो मैं यहाँ पे 31 माइनस शीट्स डॉट काउंट कर देता हूं कि भाई पहले से जितना शीट है उतने शीट को माइनस करके उतने शीट ऐड कर। यही काम मुझे करना है फरवरी के लिए, मतलब कि नीचे मैं फरवरी लिखूं तो यहाँ पे जैन के जगह पे मैं यहाँ फैब कर दूं और यहाँ हम 29 था इस बार, यहाँ पे 29 माइनस कर दे। बट प्रॉब्लम ये है कि 12-12 ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा सर ना, क्या फिर सीट के नाम भी तो इंसर्ट करने थे, क्या हम नाम इंसर्ट करने के लिए यहाँ लिखे शीट्स 1.name=1 फिर शीट्स 2.name=2 तो अब ऐसा करेंगे उससे अच्छा क्या मैन्युअली कर ले सारा काम, फिर वीडियो लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, रिपीटेशन आता है, चलो इसको डायनेमिक एंड रिपीटेशन को करते हैं। तो इसके लिए हमें लगाना होगा लूप, मतलब कि मुझे इस लाइन को 12 बार रन करना है 12 फाइल के लिए। यहाँ लूप लगेगा कि 4i=2 चले 1, 2, 12 तो ये क्या होगा कि इस पूरे लाइन को 12 बार रन करेगा, क्योंकि फिर भी क्रिएट तो करेगा मंथ के नाम जैन के नाम से ही ना। सही सर, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, हालांकि डिक्लेयर कर लीजिए dim fn as a string। सॉरी सर, थोड़ा सा लूप के बारे में बता देंगे कि क्या होता है इसका फंक्शन। लूप जो से नहीं समझे आपको, इस कोड को 12 टाइम से मान लीजिए ना, यहाँ पे लिख देता हूँ लूप कर समझा देता हूँ लूप क्या होता है। हमने यहाँ पे कर दिया msg बॉक्स और यहाँ पे लिख दिया हमने हाय, लिख दिया तो अब रन होगा तो इस कोड को सिर्फ एक बार, ठीक है, इस कोड को सिर्फ एक बार ही रन करेगा। लेकिन अगर इसको मान लीजिए 5 बार रन कराना है तो मुझे इस लाइन को 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना ये। तो जो 5 तो करेंगे 50 हुआ 500 हुआ तो कॉपी पेस्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4i=2 चले यहाँ पे 1=5 और यहाँ हमने कर दिया नेक्स्ट। अब 4 और नेक्स्ट के बीच में जो भी है वो 5 टाइम रन होगा। आई okay, क्या है, अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्कैटनेट आई कर दूं तो आप देखेंगे आई एक वेरिएबल है, जैसे कि आपका लॉन्ग इंटीजर होता है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आई काउंटर है, काउंट करता है 1, मतलब कि लूप पहला लूप चल रहा है इसलिए आई का मान 1 हुआ। 2 कर दिए तो यहाँ पे दूसरा लूप चल रहा है, आई का मान 2 है। 3 तो आई का मान 3 है, आई का मान 4 है, आई का मान 5 है, तो मैं इसको आई को कहीं यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने 12 बार रन, यहाँ पे हमने 12 बार रन किया तो 12 टाइम रन करेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हर बार वो जैन कहीं करना, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कि dim dt as a date और यहाँ पे dt=, हमने यहाँ पे दे दिया 1- नहीं,
application dot worksheet function dot date. डेट का फंक्शन इसमें नहीं आता है. तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है डेट सीरियल. तो 2020 डेट सीरियल क्या करता है मैं आपको बताता हूं. आई हो गया तो यहां पे वन हो. डेट सीरियल बिल्कुल डेट की तरह काम करता है. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर यहां पे सातवां महीना है जिस महीने का डेट चाहिए तो आप यहाँ पे डेट का कॉमा लगा दे 2020 डाल दीजिए. मंथ में इसको डाल दीजिए हुआ नहीं डाल दीजिए तो क्या आ गया. ठीक है समझ में आया नहीं सर. हाँ जी. हेलो. हाँ जी सर. इसके बारे में हेलो बोलिए सर. हाँ नहीं प्रमोशनल वीडियो है. प्रमोशनल वीडियो है नहीं वीडियो नहीं होता है. हम एक लाइव क्लास ज्वाइन करना हो मैं इसके बारे में आपको फोन करता हूँ. मेरी क्लास में बैठा हूँ क्लास पर फ्री होकर पढ़ता हूँ. सर एक बार फिर से बताना डेट सीरियल के बारे में. डेट सीरियल जैसे डेट फार्मूला होता है ना. हाँ. डेट फार्मूला बीवीए में सपोर्ट नहीं करता है. डेट फार्मूला जगह पे बीवीए ने डेट सीरियल दिया हुआ है. हाँ. यहाँ पे डेट ईयर मंथ और डे डाले ये डेट आपको रिटर्न कर देता है. तो इसमें ये है ईयर फिर वो आपने क्या डाला है नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है उसका मीनिंग. एक तो ईयर हो गया फिर आई क्या है. आई मंथ. ओके यहाँ भी यूज किया है ना. अच्छा मंथ और वन काउंट आई ए काउंटर होता है ना. हाँ हाँ यहाँ पे क्या किया इस आई को मंथ ले लिया. मैं पहला बार चला मतलब कि पहले महीने का फाइल क्रिएट होगा दूसरा अच्छा. दूसरे महीने क्रिएट होगा तो इसको हमने अगर डेट सीरियल के मंथ वाले सेक्शन में डाल दिया तो डेट सीरियल को मंथ समझ जाएगा और हर की पहली डेट बना के डीटी को दे देगा. अच्छा समझे कि first of every month आपने वो करा एक तरीके से डेट सीरियल. डेट सीरियल तो हर महीने की फर्स्ट मंथ यहाँ पे दे देगा लेकिन मुझे हर महीने की फर्स्ट मंथ नहीं चाहिए लास्ट डेट चाहिए क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डेट चाहिए ताकि मैं निकाल सकूं कितने सीट्स होंगे. हाँ तो फिर आप उसमें 31 कर दोगे कैसे करोगे आप उसे. 31 नहीं करूंगा ना लास्ट हर किसी का अलग अलग होता है ना. 31 कैसे कर सकता है इसमें. End of month वाला करोगे आप. आप देखें एक मिनट आप देखिए ना मुझे. EO month लगाएंगे जैसे एक्सेल में और जीरो कर देते हैं तो हर महीने की लास्ट डेट यहाँ पे शो हो जाती है. तो यहाँ हम यहाँ पे EO month डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि EO month बीवी को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है. चला जैसे फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाला नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया. अगर आप मान लीजिए लेन फॉर्मूला डालते हैं तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया मतलब कि लेन फॉर्मूला एक्सेल का ही फॉर्मूला है पर बीवीए में सपोर्ट करता है. नीचे एक्सप्रेशन आ गया जिसका एक्सप्रेशन नहीं आया तो बीवीए को सपोर्ट नहीं करता. ऐसे मतलब ये नहीं कि जो बीवीए का सपोर्ट नहीं करता उसको हम नहीं डालेंगे. सपोर्ट नहीं करता उसके लिए हमें देना होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन. अच्छा ओके एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ. ओके इससे क्या हुआ कि हर महीने का लास्ट डेट डीटी पे आ जाए. अब मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ कि यहाँ पे मैं फाइल नेम यहाँ पे एक डिम fn एज ए स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ टेक्स्ट है तो मैं यहां पे करता हूं कि एफ एन इक्वल टू फॉर्मेट फॉर्मेट डी टी कॉमा एम एम एम. वैसा क्यों किया मैंने. हाँ. तो फॉर्मेट क्या है
एक्सेल के टेक्स्ट फॉर्मूले के जैसा है। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया और यहां पे मैं MMM इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, इससे इसका महीना का शॉर्ट फॉर्म जुलाई यहां पे दे देगा JUL। तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म आ गया, तो मैं यहां पे मंथ को माइन करके FN अब क्या हुआ, अब जो है पहले महीने देखिए लूप चलेगा तो क्या होगा कि पहले महीने अब इसको इग्नोर कर दीजिए ठीक है। अब लूप चलेगा, पहले बार लूप चलेगा तो आई क्या होगा वन होगा जैसे कि यहां पे हुआ था। तो ये यहां पे क्या होगा डेट सीएल को वन मिलेगा तो ये क्या करेगा एक 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 2020 मतलब कि एक जनवरी का डेट दे देगा। यो मंथ क्या करेगा उससे एंड ऑफ मंथ का डेट निकाल के जरिए लास्ट डेट निकाल देगा मतलब कि 31 जनवरी। फिर FN के फॉर्मेट क्या करेगा कि इसमें से महीना अलग करेगा देखिए जैन और किसको देगा FN को, एक फाइल क्रिएट होगी जैन के नाम से इस लोकेशन राइट। अच्छा FN का क्या रोल प्ले सर ये समझ में नहीं आया, FN फाइल नेम है ना, फाइल नेम। अच्छा अच्छा की फाइल जैन फाइव मार्च ऐसे बनाएगा देखो अच्छा। आई वन देगा सिमिलर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके हाँ। वन नंबर देगा उस हाँ। से डेट सील क्या करेगा हर महीने वन को जैन टू को फाइव थ्री को मार्च लेके हर महीने का डेट पहला डेट बनाएगा हाँ। और फिर यो मंथ क्या करेगा उस डेट को रेफरेंस में लेके उसका लास्ट जो है डेट निकाल देगा, अगर एक जनवरी मिला तो 31 जनवरी ठीक है निकाल देगा और हाँ। क्या करेगा FN क्या करेगा 31 जुलाई से मंथ JUL जुलाई या जैन को जैन को अलग करके FN को देगा और FN जो है फाइल को सेव करते समय दे देगा ताकि जैन नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हम सीट को ऐड करेंगे और यहाँ हम 31 नहीं यहाँ हम करेंगे अब देखिए कि यहाँ पे चीज और है कि अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल देते हैं कि नंबर ऑफ डेट्स कितना है जे, तो यहाँ पे अगर मैं डे के अंदर में अगर डीटी रख देता हूँ कि लास्ट डेट रख देता हूँ तो क्या होगा पता आपको, यहाँ देखिए अगर मैं एक्सेल में डे का फॉर्मूला के फॉर्मूला है डायरेक्ट सपोर्ट करता है वीडियो को 31 देगा तो हर महीने की लास्ट डेट से उसका लास्ट डे निकाल देगा 31, 28, 29, 30 ऐसे निकाल देगा और जितने सीट है उतने ऐड होंगे तो क्या होगा इससे एग्जैक्ट उतना ही सीट ऐड होगा जितना सीट उस मंथ को चाहिए मंथ के डे के अकॉर्डिंग। सर आपने माइनस शीट्स डॉट काउंट क्यों करी है माइनस शीट्स डॉट काउंट, देखिए क्या है कि हमें सीट ऐड करने हैं हमने सीट हाँ। एक बार में एक नहीं कर रहा हमने बोला कि जितना महीना का दिन है उतना सीट ऐड कर दो बट हाँ। क्या है कि पहले से भी तो सीट ऐड होते हैं जब आप नई फाइल लेते हैं तो किसी में हाँ। एक सीट किसी में तीन सीट तो पहले से होते ही है ना हाँ, हाँ। तो हमें तो एग्जैक्ट उतना ही सीट ऐड करना है जितना महीना में दिन है ओके। तो हमने बोला कि जो पहले से सीट है उतना सीट डे के काउंट से माइनस करके निकाल जैसे 31 है और 3 सीट पहले से है तो क्या करेगा वो 28 सीट को ऐड करेगा तो 28 और 3 31 हो गए हाँ हाँ हाँ। यानी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ जी सर आ रहा है। चुप है आप? नहीं मैं तो फॉर्मूला देख रहा था अभी आप इसका आंसर दीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसके बाद। तो उतने ही सीट ऐड करेगा तो सीट ऐड में हमने क्या किया हुआ है काउंट पे दिए हुए हैं काउंट तो काउंट पे मैंने अगर मान लीजिए कि 31 दे दिया तो 31 सीट ऐड होगा लेकिन हमें 31 सीट ऐड कर दी लेकिन हमें भी तो देखना है कि पहले से भी सीट होंगे उसमें एक या तीन ऐसा तो नहीं फाइल बिल्कुल ब्लैंक होगा नया सीट अगर फाइल ऐड हुआ तो यही 31 माइनस सीट डॉट काउंट कर दिया जो पहले जितने सीट है उतने सीट माइनस कर देगा और डीटी क्या है लास्ट डेट ऑफ द मंथ है तो सीट ऐड हो गया। अब एक एक सीट का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे मैं एक बार और एक लूप लगा लूंगा कि फोर जे इक्वल टू चले 1 2 DT ठीक है यहाँ पे डे माइनस डीटी करना है डे के अंदर में डीटी और यहाँ पे सीट्स और सीक्वेंस नंबर चलेंगे डॉट
dot name equal j. अब आपका प्रोग्राम पूरी तरह से रन कर जाएगा। इसको मैं एक एक करके रन कराता हूं। लाइन रन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां पे देखिए step info, इसका शॉर्टकट होता है effect। तो मैं effect प्रेस करता हूं। अब देखिए डीटी पे क्या है, 1/31/2/1 दिख गया आपको, 1/31/20 है। अब इसने एफएन में क्या किया, इसमें से जैन को अलग कर दिया। यहां पे जैन मिल गया तो इस लोकेशन में जैन नाम का सीट क्रिएट हो गया। अब देखेंगे जैन नाम का सीट एक्टिव है। इसमें बाय डिफॉल्ट पहले से 3 सीट है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब क्या होगा कि अब इसमें से क्या होगा कि अब देखिए इसने क्या किया, एक बाकी माइनस करके 31 सीट को यहां पे इसने क्रिएट कर दिया। क्रिएट हो गया। अब ये 1/1 जो है सीट का नाम चेंज कर रहा है। देखिए ए जे 2 है तो 2 सीट का नाम किया, 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया। मैं एफएन प्रेस कर रहा हूं, यानी नाम चेंज हो रहा है ना। ऐसे ये 31 बार चलेगा, जितना भी मतलब कि डीटी के ऊपर जो डेट है ना उसमें से डे अलग करेगा, 31 31 31, 28 28, 29 29, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग। और फिर 1/1 वो उतना बार चलेगा और सीट के सारे नाम को चेंज करेगा। इसका खत्म हो गया, फिर बाहर आएगा, ये चल रहा है 30 31, लास्ट बाहर आ गया। बट क्या है कि वो फाइल तो एक ओपन ही है, फाइल ओपन ही है ना। यहाँ पे हमने फाइल क्लोज करने का कोई सुविधा नहीं दिया, जो फाइल ऐड हुआ है उस फाइल को हमने क्लोज नहीं करवाया। तो क्या करेगा, 12 फाइल ऑन रखेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, सॉरी क्लोज करना है, dot close equal to true। और मैं इस arrow को उठा के इस पर रख देता हूँ, फाइल को क्लोज कर दिया। अब i जो है i 1 था, अब i कितना हो गया, 2 हो गया, i 2 हो गया। डेट सीएल को क्या मिला, मंथ में 2, इसने क्या बना दिया, 2/29/2020 बना दिया। फिर इसने फैब अलग किया, यहाँ पे फैब नाम का फाइल जनरेट किया। फिर इसने 29 माइनस सीट काउंट करके उतने सीट ऐड कर दिए और फिर 1/1 करके उतने सीट्स को सेव करेगा, मतलब उसका नाम चेंज करेगा। सर जो ये एफ चेंज क्लोज कर दिया, फिर 3 हो गया, क्या बोल रहे हैं जो जी, अभी आप ये शीट्स ऐड के बाद एफ जे इक्वल्स टू 1 है ना, टुडे पैरेंथेसिस में डीटी, तो ये क्या कर रहा है, नीचे नीचे वाला नेक्स्ट लाइन एफ जे इक्वल्स टू 1। सर ये लूप है सीट नाम चेंज करने का। सर जैसे सीट ऐड हुआ, सीट ऐड हो गया, ओके ओके हो गया ना, अब एक एक करके सीट का नाम चेंज करना है ना हमें। ओके 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 ठीक है। तो हमें जैसे हमने यहाँ पे 12 फाइलें थी तो 12 लूप चलाया हमने, इसमें हमें पता नहीं कि फाइल कितनी है, तो हमने बोला कि लूप उतना बार चलो जितना डेज है। ओके अगर मैंने हो रहा है डे, हाँ जी, से डीटी में से डे को अलग कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको बोल रहा हूँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो इक्वल्स 1 की जगह मैं अगर मैंने उस दिन का नाम देना हो तो आपको 7 फाइल बनानी, तो आपको यहाँ पे 1 2 7 करना होगा, नहीं फॉर ट्यूसडे मतलब की डेज करना है आपको। हाँ डेज करना है की मैं 1 2 3 फॉर्मेट फॉर्मूला लगा लीजिए ना यहाँ पे, जो नेम जो है ना नेम पे, ओके सीट जे डॉट नेम जो 1 है तो इसके जगह पे आप ये फॉर्मेट फॉर्मूला अप्लाई कर दें और डीडी के जगह पे एमएम की जगह पे डीडी डाल दें। ओके टेस्ट ठीक है, समझ गए। देखिए 1 2 3 कर रहा है, इसके साथ अगर मतलब डेटा 1 डेटा 2 का कुछ ऐसा नाम भी शेयर कर रहा है तो इसके साथ आप कंबाइन कर लीजिए इस तरह से।
या आपको मान लीजिए पूरा का पूरा डेट ही देना है, पूरा का पूरा डेट ही देना है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, मगर अगर मैंने जैसे बोला कि मुझे दिन का नाम देना है, दिन का नाम देना है, तो आप दीजिए फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमारा हो जाएगा दिन का नाम देना है ना आपको। हाँ जी। अब यहाँ पे यही पे छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिन का नाम देना है राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा जे, जे के साथ हम कंबाइन करेंगे डैश, इसके साथ होगा हमारा एफ एन वन, इसके साथ कंबाइन होगा 2020 dt। ये क्या किया आपने, तो जे हमारा हो जाएगा डेट, हमारा हो जाएगा एफ एन, हो जाएगा मंथ और ईयर है, तो एक तरह से डेट बनेगा, से एक बार देखा था आपको मैं, तो डेट बना नहीं, ये जो डेट बनेगा वो बनेगा ये आपका 1 मार्च 2020, और फॉर्मेट क्या करेगा इसका नाम जो है, संडे आ गया, ठीक है, तो यहां हमें ईयर पता है, मंथ हमारा यहां से निकल के आ रहा है, और ए जो 1 2 3 है वो डेट है, तो हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये आपने जो पैरेंथेसिस में डी 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 लिखा है 2020 के बाद, ये इस कोड का क्या मतलब है कि ये SUNMON पकड़ेगा? इसीलिए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि VBA का नॉलेज होना चाहिए। हमने क्या बोला आपको कि टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला की तरह काम करता है, ठीक है ना? ओके, तो किसी डेट में से अगर आप मंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो NM आता है, अगर किसी कस्टम फॉर्मेटिंग, पता है ना सर आपको? नहीं सर। कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। ओके। आपको मैंने जो 5 आवर्स की वीडियो दी थी उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक था पहले, आप अनावर के आसपास, ठीक है, वो चीज यहाँ पे होती है, मतलब कि आप किसी भी डेट की विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के द्वारा। तो ये जो कोड होते हैं वो कोड अगर टेक्स्ट फॉर्मूला में आप डाल देते हैं तो सेम टेक्स्ट रिटर्न करता है, जैसे कि हमने डीडी डाल दिया तो फ्राइडे रिटर्न दे, अगर मैं यहाँ पर 4 टाइम डी डाल दूंगा तो फ्राइडे कंप्लीट आएगा। मान लीजिए अपना फॉर्मेट में चाहिए तो मैं यहाँ पे dd/mm कर दूंगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। ओके, तो जो टेक्स्ट फॉर्मूला करता है और जिस तरह से अप्लाई होता है सेम प्रोसीजर को फॉर्मेट फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, बट यहाँ पे आप जो है सिर्फ जैन फैब नहीं लिख सकते, क्योंकि एक महीना में कितने फॉर्म कितने संडे मंडे नहीं लिख सकते, क्योंकि हर महीने में संडे 4 आते हैं, एक एक ही नाम पे 4 शीट नहीं बन सकते। और इसके साथ आप इसका डेट इंक्लूड कर दें, जैसे कि यहाँ पे हमने डीडी किया है ना, इसके बाद यहाँ पे डीडी कर, तो इससे क्या होगा, अब मैं इस माइक को कंटिन्यू कर देता हूँ, अब देखेंगे फोल्डर में वो काम हो रहा है, होने दीजिए 2020 फोल्डर में किया, जैन का बन गया, फैब का बन गया, मार्च का बन गया, बन रहा ना फाइल? हाँ जी, अपने आप सारा काम कर रहा है, अपने आप फाइल ऐड कर रहा है, नेम चेंज कर रहा है, सेव कर रहा है, क्लोज कर रहा है, और बायो फाइल बना के आपको दे। सर ये मुझे एक जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मे बी क्योंकि ये 3rd या 4th क्लास मैंने ज्वाइन करी है, या मे बी मेरी मेरी इतनी नॉलेज नहीं है टेक्स्ट फॉर्मूलाज पे या कस्टम फॉर्मेटिंग पे, तो मैंने ये नोट किया है सर, जैसे आपने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करी, या आपने डिम फंक्शन है स्ट्रिंग फॉर्मेट जो आपने, सबसे पहले बात समझ जाइए, हाँ आपको लूप तो समझाई दिया कि लूप क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ आई का क्या रोल है मैंने भी समझा दिया आपको, हाँ डाउट नहीं है। अब जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं ना फंक्शंस की, तो होता क्या है
कि जो VVN आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला को स्टोर करने के लिए कोई लोकेशन तो चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फॉर्मूला ईओ मंथ जो है ये अपने रिजल्ट को कहाँ सेव करेगा, कहाँ रखेगा, किसको देगा। हाँ राइट, एक लोकेशन चाहिए। तो जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ये भी सीधी ले लेते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पे डी टी एफ एन ले लिया। हमने डिफाइन क्यों किया, ताकि इसकी कास्टिंग कर सके। हम जैसे हमने बोल दिया कि डीम डी टी एज ए डेट, तो क्या हो गया कि डी टी पे आप डेट ही स्टोर हो सकता है। एफ एन के अंदर जो है सिर्फ टेक्स्ट ही अपलोड हो सकता है। जैसे हम लोग सीट का करते थे ना सेल का, कि टेक्स्ट डेटा जो भी डाल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डेट डेट में कन्वर्ट, तो वही हमने यहाँ पे उसकी टाइप हमने डिसाइड कर दी। टाइप करने का फॉर्मेट होता है कि डिम नाम डालिए और एज क्या करना है। तो डिम का मतलब हो गया कि हम डिम को मतलब ये रेफरेंस दे दिया कि हम डेट डीटी को डेट मान रहे हैं। हाँ। और हम फंक्शन में फॉर्मेटिंग, फंक्शन का कैसे मैं मतलब इंटरप्रिटेशन निकालूं, ये हमने एम का स्ट्रिंग मान रहे हैं और जब इस अप्लाई होगा तो इसका लोड होगा डेटा। हाँ। तो जब फॉर्मूला एक कैलकुलेट हुआ अपना रिजल्ट डीटी को दे देगा, डीटी रिजल्ट को अपने पास स्टोर रखेगा, जहां जरूरत है वहां इसका यूज कर लीजिए। अच्छा ठीक है, और फंक्शन को मंथ मान रहे हैं एक तरीके से, ये हो गया मतलब fn को fn 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 में वो फंक्शन वो हां स्ट्रिंग मांग रहे एबीसी, क्योंकि जैन फैट एबीसी होती है ना। ओके ओके समझ गई। क्लियर है आपको डाउट? नो सर। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले, जैसे कि हमने यहां पे ईओ मंथ अप्लाई किया, ये तो एक्सेल का फॉर्मूला था। नया फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेट सीरियल यूज किया, डेट सीरियल, क्योंकि डेट का फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में सपोर्ट नहीं करता है। तो डेट सीरियल फॉर्मूला जस्ट लाइक डेट का फॉर्मूला, अगर इसको समझना है तो डेट फॉर्मूला को समझ जाओ एक्सेल। ओके ओके, उसके बाद इसमें हमने डे फॉर्मूला, आपका एक्सेल का ही फॉर्मूला है। हाँ। हमने फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मूला जस्ट लाइक टेक्स्ट फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मेट समझ में नहीं आती है तो टेक्स्ट फॉर्मूले को समझो, टेक्स्ट फॉर्मूले समझ जाएंगे तो फॉर्मेट समझ जाएंगे। अच्छा ओके, समझ गए गाड़ी जी? हाँ जी सर, क्लियर है। और गैरी जी को अब ये चीज आपको एक्सेल में समझनी पड़ेगी, अब एक्सेल के पार्ट में यहाँ समझाने जाऊंगा तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा ना सर। हाँ जी, नहीं नहीं सही बात है सर, मुझे मैंने फॉर्मेटिंग कभी की ही नहीं, दिस टेक्स्ट फॉर्मूलेस एंड स्टफ लाइक दैट, तो मुझे अभी इस पे भी पहले वर्क करना पड़ेगा, देन फर्स्ट वर्क कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाला है। फॉर्मेट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दीजिएगा आगे आएगा। तो सर अगर हमें फॉर्मूला जो ये टेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे हम इसको यूज तो करते हैं कभी हमें एक्सेल में कुछ काम होता है तो, पर इसको जो आप जो आपने दिखाया था सारे उसमें जो एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, तो हमें सबका आइडिया होना चाहिए कि कभी भी कैसे भी कोई भी यूज कर सके। बेसिकली आप ये चाह रहे हो ना ये कि हमें इतना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो मोस्ट जिस फॉर्मूले एक्सेल के हैं, क्योंकि टेक्स्ट हो गया, डेट हो गया, डे हो गया, ये सब तो कॉमन यूजेस फॉर्मूले हैं ना। मैंने इसका रेलेवेंस कम कभी भी यूज कर, देखिए मैंने वीवीए सीखने से पहले ही अरे जी आपको ही बोला था याद होगा कि आपकी एक्सेल की कमांड अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बोला था कि जैसे जैसे सीखेंगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैंने आपको 5 hours की वीडियो भी दिया था, शायद आपको भी दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में पहले शुरू किया था। यस सर, तो उसमें जो है आपको जो है सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलता है। हाँ नहीं सर, हम यूज करते हैं मतलब ये डेट एंड टेक्स्ट फॉर्मूला तो यूज करते हैं, डे इतना नहीं होता है, पर जैसे आपको सारा सारे आते हैं, मुझे सारे नहीं आते, मुझे कुछ कुछ आते हैं, तो मुझे मैं समझ तो पा रही हूँ पर मुझे थोड़ा सा ढंग से टाइम देना पड़ रहा है। आप जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा था उसको देख लीजिए, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग भेजी थी, शुरुआत में मैंने देखने के लिए बोला था, आपको लगा होगा कि सर इतना लंबा रिकॉर्डिंग कौन देखेगा, लेकिन मुझे पता था कि आगे चल के प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग देखने के लिए फोर्स किया था। गैरी जी फोर्स जी, हाँ जी सही नहीं सर नया ना क्यों फोर्स कर रहा था मैं,
हाँ जी नहीं आप एक्चुअली मैं सर इतने फॉर्मूले में लगाते ही नहीं मैं अपने काम पर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा देन तभी हमें इजी होगा ना इसको समझने में. तो अगर आपको जो 5 hours की वीडियो दी थी उसपे एक बार आप लोग उसको देख के उस पर कमांड कर लीजिए. अगर आपको टाइम चाहिए तो आप 2-3 दिन का टाइम ले सकते हैं.